मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक कीजिए हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू आवर चैनल आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे मैं भी बहुत अच्छी हूँ आज मैं एक नया टॉपिक लेके आ गई हूँ जो कि है डोली का और इसके साथ ही मैं एक और टॉपिक लेके आई हूँ जो कि है डिज़ाइन्स का जिसमें हम बहुत सी बार डिज़ाइनों को देख के ही डिसाइड कर लेते हैं कि वो डिज़ाइन मुझसे बनेगा कि नहीं बनेगा नई टिपिकल डिज़ाइंस को देख के डर जाना आजकल कॉमन बात हो गई है नए नए आर्टिस्ट के लिए क्योंकि अब निकल रहा है कुछ एडवांस सा डिज़ाइन जो कि सब नहीं क्रिएट कर पाते और पहले ही उसको देख के डिसाइड कर लेते हैं कि ये मुझसे नहीं बन पाएगा जो कि बहुत गलत बात है अगर आप वाकई मेहंदी आर्टिस्ट बनना चाहते हैं तो आपके माइंड से ये बात हम कैसे हटाएँ या निकालें उसके बारे में हम इसके आगे डिस्कस करेंगे उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आपको डोली का डिजाइन को कैसे क्रिएट करना है सबसे पहले मैंने डोली का डिजाइन लिया जो कि मैंने डिसाइड किया कि मेरे को किस एंगल पर डिज़ाइन को बनाना है उसके लिए मैंने दो पार्टीशन में मैं काम कर रही हूँ थोड़ा मैं इधर साइड राइट साइड कर रही हूँ एंड थोड़ा मैं लेफ्ट साइड कर रही हूँ बराबर से मेरे को चलना है पहले राइट साइड पर जितना बना रही हूँ उतना ही मैं लेफ्ट साइड पर भी बनाऊँगी ऊपर की तरफ मैंने तीन लाइन बनाई है और उसके बाद मैंने इसके लफ्स लिए है फिर दो लाइन राइट साइड एंड दो लाइन मैंने लेफ्ट साइड बनाई है एंड पर्दे का डिज़ाइन जो मैंने क्रिएट किया है आपको भी उसी तरह से क्रिएट करना है अगर आप भी डोली के डिजाइन को सीखना चाहते हैं इस तरह की डोली के डिजाइन को बनाना चाहते हैं तो मेरे साथ ही उसे क्रिएट करें ताकि एक एक लाइन आप बहुत क्लियरली बना पाए अगर उसमें कोई दिक्कत आ रही हो आपको तो आप ऑन टाइम क्लियर कर पाए और ऑन टाइम आप उस चीज़ को समझ पाए तो उसके लिए आपको मेरे साथ बनाना ज़रूरी है बाद में अगर आप उसको देख के बनाते हैं तो हो सकता है कहीं से लाइन आप मिस कर दें या कुछ चीज़ें आप छोड़ दें जिससे उसका लुक मेरे डिज़ाइन जैसा नहीं आ पाएगा मैंने जैसे कि बॉक्स में पार्टीशन लेके लीफ के डिज़ाइन को बनाया है वैसे ही आपको भी बनाना है हर चीज़ को हम पार्टीशन के साथ बनाएंगे तो वो बहुत ही खूबसूरती से निकल के आएगी लास्ट फाइनल लुक आपको बहुत ही खूबसूरत मिलेगा और इवन मिलेगा जैसा आपको चाहिए है डिज़ाइन कंप्लीट होने के बाद मैं लीफ के डिज़ाइन के पास में फिलिंग कर रही हूँ जिससे मैंने लाइन के बाहर बाहर ही किया है जहाँ मैंने लीफ के डिज़ाइन बनाई थी उसके अंदर नहीं करना है बॉक्स के अंदर जो जो जगह बची है मैंने सिर्फ वहाँ किया देन मैंने पॉइंट क्रिएट कर दिया उसके सेंटर में एक डोड बना दिया जिसे वो बहुत ही क्लियरली दिख पा रही है उसके आसपास पास मैं जैसे जैसे लाइन ले रही हूँ सेम आपको भी काम वैसे ही करना है एक जैसा काम करने के लिए आपको एक जैसा लाइन्स लेना बहुत ज़रूरी है एक जैसा काम तब होगा जब आप सिमिलर लाइन्स लेंगे अगर आप यहाँ पे पूरी लाइन क्रिएट करते हैं तो डोली के अंदर आपको ब्राइड को बिठाना होगा और उसके लहंगे को के डिज़ाइन को भी उस लाइन के अंदर दिखाना होगा मैं अभी इस लाइन को इसलिए रब किया है क्योंकि मैं उसकी जो लहंगे का डिज़ाइन है उसको डोली के बाहर दिखाने वाली हूँ जो कि बहुत ही यूनिक सा लगेगा नॉर्मली डोली के अंदर आपने ब्राइड की डिज़ाइन को देखा होगा उसके लहंगे का डिज़ाइन भी डोली के अंदर ही कंप्लीट हो जाता है पर मैं अभी जो क्रिएट करने वाली हूँ वो डोली के बाहर उसका लहंगा आता हुआ दिखेगा इसकेलेब्स के डिज़ाइन से आपका जो डिज़ाइन है उसका लुक और बढ़ जाता है आपके डिज़ाइन में आप जितना बारीक काम करेंगे डिज़ाइन उतना ही खूबसूरत मिलेगा उतना ही खूबसूरत दिखेगा तो इसलिए हम उसमें स्केलफ्स के लाइंस को लेना नहीं भूलेंगे उसके साथ ही हम काम करते जाएंगे जिससे हमारे काम में बारीकी अलग से दिखे लाइंस बहुत क्लियर होनी चाहिए लाइनों की प्रैक्टिस अगर आपको नहीं है तो आप मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं जिसमें आपको लाइनों की प्रैक्टिस मैंने कराई है स्केल्फ्स की भी प्रैक्टिस मैंने आपको पहले वाली वीडियोस में कराई है मैंने 20 दिन का क्लास सेट किया हुआ है प्लेलिस्ट बनाया हुआ है अगर आप चाहे तो उसे देख सकते हैं और वन बाय वन हर चीज़ आप बहुत डिटेलिंग में सीख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें मैंने बीस दिन में आपको सिखाई है इसके अलावा वन बाय वन मैंने यहाँ पे पार्टीशन करके काम किया है आप देख सकते हैं पूरा काम सेम दोनों डायरेक्शन पे वैसे ही चलेगा जैसे मैंने राइट right में किया है वैसा ही आपको लेफ़्ट में भी मिलेगा अगर कहीं कुछ रह जाता है तो मैं लास्ट में उस चीज़ को देख के कवर करूँगी वन बाय वन मैं वैसे ही चलूँगी जैसे मैंने आपको बताया जैसा कि मैंने आपको बोला कि हम नॉर्मली नए डिज़ाइंस को देख के डर जाते हैं ऐसा सबके साथ होता है मेरे साथ भी ऐसा होता था मैं भी ऐसे डिज़ाइन को देख के ही डिसाइड कर लेती थी कि ये नहीं हो पाएगा मुझसे ये मैं नहीं बना सकती पर उससे मैं आगे नहीं बढ़ पाती थी उस डिज़ाइन को मैं छोड़ देती थी जिससे मुझे पुराने डिज़ाइन को ही रेगुलर यूज़ में लेना पड़ता था जो कि मुझे आगे बढ़ने में मदद नहीं कर पा रहा था आपके साथ भी अगर ऐसा दिक्कत हो रहा है तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप रेगुलर डिज़ाइन जो जो नया नया आता जा रहा है उसकी भी प्रैक्टिस करते जाए उसे भी बनाते जाए फर्स्ट टाइम पे वो बहुत क्लियर नहीं बन पाएगा सेकेंड टाइम पे भी नहीं हो पाएगा थर्ड से फोर्थ टाइम पे वो आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट दे सकता है अब सबसे पहले उसे बनाने का क्या तरीका हो सकता है और कैसे हम उस चीज़ को उस डर को दूर करें जो हमारे माइंड में आ जाता है कि वो डिज़ाइन हम नहीं बना पाएंगे अगर आप कोई डिज़ाइन देखते हैं तो आप ये चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि उस डिज़ाइन को आप पूरा एक नज़र में जैसे देखना चाहेंगे तो आप देखेंगे कि वो बहुत टफ़ दिखेगा ये डोली का डिज़ाइन भी सेम वैसा ही है अगर आपने फर्स्ट लुक इसका देखा है तो आपको पता चलेगा कि ये बहुत टफ है बहुत दिखने में बहुत टफ लग रही थी पर वैसे ही मैंने उसे पार्टीशन में बना के काम किया है पार्टीशन में मैंने वन बाय वन उस पर काम किया है राइट एंड लेफ़्ट साइड वन बाय वन में चली हूँ जिससे मेरे लिए ये डिज़ाइन आसान और सिंपल हो गया यही तरीका हम बाकी डिज़ाइन को बनाने में भी यूज़ कर सकते हैं अगर डिज़ाइन बहुत टिपिकल है तो आप उसके दो से ज़्यादा पार्टीशन कर सकते हैं जैसे मैंने डोली का पार्टीशन किया दो में वैसे आप बाकी डिज़ाइन का पार्टीशन कर सकते हैं चार में हाफ हाफ़ पार्टीशन करके अगर आप काम करते हैं तो हर डिज़ाइन बनाना बहुत आसान हो जाता है पूरा डिज़ाइन आप डायरेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते वन बाय वन आपको उस चीज़ पर चलना पड़ेगा अब उस पर चलने का क्या सही तरीका होगा किसी डिज़ाइन को देख के आपको यह अंदाज़ा होना चाहिए कि वो डिज़ाइन कहाँ से स्टार्ट होगी जैसे अगर मैं अपनी डोली की बात करूँ तो मेरी डोली की डिज़ाइन बॉक्स से नहीं स्टार्ट हुई है लाइन से स्टार्ट हुई है मैंने डायरेक्ट उसका बॉक्स क्रिएट नहीं किया मैंने उसके लिए लाइन क्रिएट करी सबसे पहले मैंने तीन लाइन बनाई थी जिससे मेरा ये बॉक्स फाइनल कंप्लीट हुआ आप देख सकते हैं वन बाय वन मैंने वही चीज़ की जो मैं आपको बता रही हूँ इस डोली के डिज़ाइन को फॉलो किया मैंने उसी स्टेप से जो मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर रही हूँ कि अगर आप किसी डिज़ाइन से डरते हैं तो पहले उसे पार्टीशन पे ले और फिर उसे क्रिएट करें डायरेक्ट तो आप किसी चीज़ को क्रिएट नहीं करेंगे सबसे पहले आप उसे कहीं से तो शुरू करेंगे कहीं पे तो ख़त्म करेंगे तो उसे कहाँ से शुरू करेंगे वो आपको पता होना चाहिए जैसे आप देख सकते हैं अगर मैं डोली के इस डिज़ाइन को टॉप से स्टार्ट करती जो मैं अभी क्रिएट कर रही हूँ यहाँ से अगर मैं इसको स्टार्ट करती तो वो मैं सही नहीं बना पाती बिल्कुल नहीं बना पाती हुआ समझ आया मैं क्या कहना चाहती हूँ वहाँ से स्टार्ट करती तो कैसे सही बनता वो उसका कोई भी ऐसा पार्टीशन नहीं है जो मेरी डोली से जुड़ा हुआ हो इसलिए आपको वो पार्ट ढूंढना बहुत ज़रूरी है जिस पे आपकी डिज़ाइन पूरी क्रिएट हो रही है जैसे आप देख सकते हैं मेरे डोली के डिज़ाइन में डोली के बीच की जो तीन लाइनें मैंने क्रिएट करी थी वहीं से ये डिज़ाइन स्टार्ट हो रही है और वहीं से आप अगर स्टार्ट करेंगे तो ये बहुत अच्छी बन पाएगी पार्टीशन आपको समझ आ गया डोली की उस तीन लाइन पर मेरी डोली की नीचे की डिज़ाइन भी डिपेंड करती है और ऊपर का टॉप डिज़ाइन भी डिपेंड करता है वहाँ भी मैं अगर चेंजेस करना चाहती हूँ तो वो लाइन क्रिएट करने के बाद ही मैं कर पाऊँगी या उसके ऊपर की डिज़ाइन भी मैं उसके बाद ही बना पाऊँगी डोली के अंदर अभी जो मैं ब्राइड बिठा रही हूँ वो मैं सिंपली क्रिएट करने वाली हूँ उसके फेस को मैं आईज़ वगैरह नहीं क्रिएट करने वाली सिर्फ इस तरह से क्रिएट करूँगी कि आपको ये दिखे कि इसमें ब्राइड बिठी है सिर्फ इतना ही मैं करूँगी सिंपली उसको मैं ड्रॉ करूँगी इसके अलावा मैं उसमें बहुत डिटेलिंग नहीं करूँगी क्योंकि अभी जो आज हमारा मेन टॉपिक है वो डोली के डिज़ाइन से रिलेटेड है और डोली के डिज़ाइन को सीखना हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा उसमें मैं ब्राइड के साथ डोली बनाऊँगी जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और काफ़ी कुछ उसमें नया आपको सीखने को मिलेगा तो अभी ब्राइड तो बहुत सिंपली मैं ड्रॉ कर दे रही हूँ और इसके आगे का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें आपको ब्राइट कैसे बनानी है डोली के अंदर वो आपको एक्सप्लेन किया जाएगा तो आपने देखा मैंने डोली के डिज़ाइन को कैसे क्रिएट किया मैंने सबसे पहले उसमें पार्टीशन लिया एंड फिर मैंने उसको क्रिएट किया सेम अगर आपको इसी तरह से और डिज़ाइन डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन ट्राई करनी है तो आपको दो से तीन चीज़ों का ध्यान रखना है सबसे पहले आप उस डिज़ाइन को ध्यान से देखेंगे और ये समझेंगे कि वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है और स्टार्टिंग पॉइंट समझने के बाद आप ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि उसे मुझे कितने पार्टीशन में लेना है जिससे ये परफेक्ट बने मुझसे ठीक है अगर आप दो पार्टीशन में कंफर्टेबल है उस डिज़ाइन को बनाने के लिए तो आप दो पार्टीशन में उसे कर सकते हैं और उसको कंप्लीट बना सकते हैं पर अगर आपको लग रहा है कि मुझे चार पार्टीशन पे काम करना है और चार पार्टीशन के बिना मैं उसको अच्छे से नहीं बना पाऊंगी या बना पाऊँगा तो आप उसे चार पार्टीशन में लें चार पार्टीशन में लेने से मतलब ये है कि आप समझें कि उसका सेंटर पॉइंट कहाँ है और वहाँ से आप चार पार्टीशन पे धीरे धीरे काम करेंगे थोड़ा राइट साइड थोड़ा लेफ्ट साइड इस तरह से जैसे मैंने डोली में काम किया है आपको इसी तरह से दोनों डायरेक्शन पे धीरे धीरे काम करना है अगर आप फिर भी कंफ्यूज हैं या फिर भी आप उसे नहीं बना पा रहे हैं तो लाइट लाइट हाथों से पहले उसे क्रिएट करें जहां से आपने उसके पार्ट को लिया है या स्टार्टिंग पॉइंट किया है लाइक like मैंने तीन लाइनों से स्टार्ट किया है तो मैं अगर इसको बनाने में कन्फ्यूज़ होती या फिर डाउटफुल होती तो पहले मैं इसे लाइट हाथों से क्रिएट करती दोनों डायरेक्शन पर तीनों डायरेक्शन पर जो भी मेरे मैं को मैंने पार्टीशन किए हैं ठीक है और उसके बाद में धीरे धीरे उसको डार्क करती धीरे धीरे मतलब भरण के साथ आप उसे धीरे धीरे डार्क करते जाएंगे स्टॉक शेडिंग मैंने इसमें ली है पर्दे के डिज़ाइन को पूरा पूरा नीचे तक शेड करना है धीरे धीरे एक एक करके नहीं करना है स्टार्टिंग से एंड तक एक जैसी लाइन आपको लेनी है घसीटना नहीं है कोण को कोण को घसीटने से आपका पॉइंट खराब हो सकता है जिससे आगे का डिज़ाइन अच्छा नहीं बन पाएगा और आराम से आपको हर चीज़ को बनाना है हर चीज़ को अगर आप आराम से समझेंगे तो वो बिल्कुल आपको समझ आएगा और उसमें आपको किस तरह से काम करना है वो भी आपको समझ आएगा लाइट हाथों से अगर आप उसे पहले क्रिएट करते हैं फिर आपको कोई भी ऐसी दिक्कत फेस नहीं करनी पड़ेगी जो आपके डिज़ाइन को कम्प्लीट ना कर पाए बहुत लाइट हाथों से आप पहले डिज़ाइन को देख लेंगे बना लेंगे और उसके बाद आप नॉर्मल हाथों से नॉर्मल प्रेशर के साथ कोन के साथ काम करना शुरू करेंगे मैं फाइनल टच मेरी डोली के डिज़ाइन को दे रही हूँ साइड में जो जो चीज़ें मुझे लग रहा है मैं क्रिएट कर रही हूँ और उसे और भी अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश कर रही हूँ किसी डिज़ाइन को पूरा कॉपी करना कंपलसरी नहीं होता एक शेप आपका प्रॉपर उस डिज़ाइन का आना चाहिए वो चीज़ मैटर करती है अगर आपका शेप सही नहीं आ रहा है और आप उस डिज़ाइन को पूरा कॉपी कर दे रहे हो तो उस डिज़ाइन के कॉपी करने का कोई सेंस नहीं निकलता अगर आपके डिजाइन में शेप अगर चेंज होता है तो कोई दिक्कत नहीं है पर डिज़ाइन एज इट इज़ बहुत क्लियर दिखना चाहिए कोई लाइन किसी भी डिज़ाइन में मिक्स नहीं होनी चाहिए आज मैंने जो डोली का डिज़ाइन क्रिएट किया है इसमें आप देख सकते हैं मैंने एक एक चीज़ को बहुत ही क्लियरली दिखाने की कोशिश की है और कोई भी चीज़ कोई भी डॉट मेरा किसी भी दूसरी डिज़ाइन में मिक्स नहीं हो रहा है डिज़ाइन को और एट्रैक्टिव बनाने के लिए मैंने नीचे की तरफ झालर के डिज़ाइन का यूज़ किया है आप इस तरह से उसे बहुत आराम से बना सकते हैं फिलिंग वर्क भी बहुत आराम से आपको करना है जिससे आपका डिज़ाइन ख़राब ना हो डिज़ाइन का फाइनल लुक तभी आता है जब आप उसमें डार्क फिलिंग करना स्टार्ट करते हैं डार्क फिलिंग के साथ जो आप उसमें क्रिएटिविटी देते हैं वो उस डिज़ाइन को बहुत ही अट्रैक्टिव बना देती है जैसे कि इस डोली में मेरे टॉप का जो डिज़ाइन था वो इस पूरी डोली की शान बन गया और एंड ऑफ ये बहुत सुंदर लुक दे रहा था बहुत सी बार आप ये डिज़ाइन क्रिएट कर लेते हैं हर डिज़ाइन को आप कॉपी कर लेते हैं पर जो उसकी बारीकी है उसे आप कॉपी नहीं कर पाते और वो बारीकी आप तब तक नहीं कॉपी कर पाते जब तक आप उसकी डिटेलिंग को नहीं समझते आप अगर सोच रहे हैं सिर्फ डोली बनाना इंपॉर्टेंट है या उस डिज़ाइन को क्रिएट करना इंपॉर्टेंट है जो आपने निकाल रखी है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है डिज़ाइन की डिटेलिंग भी उतनी ही मैटर करती है जितनी उस डिज़ाइन का लुक लाइक मैंने एक डोली का डिज़ाइन बनाया है तो सिर्फ डोली बनाना मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है डोली के आसपास के डिज़ाइन को भी मुझे उतना ही खूबसूरती से दिखाना है जितना अच्छे से मैंने डोली के डिज़ाइन को बनाया है आप देख सकते हैं डोली के डिज़ाइन के साथ साथ मेरी ऊपर के टॉप पर बनाई गई डिज़ाइन भी उतनी ही खूबसूरत तरीके से दिख रही है जितनी मेरे डोली के डिज़ाइन को आप देख सकते हैं हर चीज़ को डिटेल में सीखने के लिए मेरी क्लासेस भी अवेलेबल है आस्था मेहंदी से इंस्टाग्राम पेज पे आप देख सकते हैं मैं हिंदी लैंग्वेज में क्लास लेती हूँ और ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से क्लास अवेलेबल है मेरा इंस्टाग्राम आईडी आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा और बात करते हैं इस डोली के डिज़ाइन की तो फाइनली ये डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है और स्टॉक शेडिंग के साथ इसका लुक और भी ज़्यादा अच्छा दिखने लगा है आपको आज का टॉपिक कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें